नेमावर में आदिवासी नरसंहार के पीड़ित परिवार की बेटी भारती कासडे की न्याय यात्रा को लेकर राजभवन के सामने कांग्रेसियों ने राज्यपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। राज्यपाल के खिलाफ लगे इन नारों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजभवन के सामने खड़े होकर राज्यपाल मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग राज्य सरकार से की है। मैं बताना चाहता हूं कि नेमावर की जो घटना है उस पर सरकार ने जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी बचा नहीं, सारे लोग जेल चले गए। सीबीआई इंक्वायरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर की है, उसके बाद नौटंकी करके दिग्विजय सिंह इस प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए सज्जन सिंह वर्मा जैसे बेहुदा लोगों को लेकर राजभवन जाते हैं। राजभवन के सामने इतनी भीड़ के साथ वहां ये कहते हैं कि ये राज्यपाल ट्राइबल राज्यपाल उनको सहायता नहीं दिला सकते, तो ऐसे राज्यपाल को किन शब्दों का उपयोग किया गया है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल के लिए इन शब्दों का उपयोग करना कि कोरोना के डर के कारण से राज्यपाल बाहर नहीं निकल रहे, ये कोई सामान्य घटना है? आप एक महामहिम राज्यपाल को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं कोरोना के संकट में, उनका अपना प्रोटोकॉल है, क्या सज्जन सिंह वर्मा आप बताएंगे कि राज्यपाल को क्या प्रोटोकॉल का पालन करना है? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात पर पूरा मध्य प्रदेश आक्रोशित है जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग महामहिम राज्यपाल के लिए हुआ है, और जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के मुर्दाबाद के नारे दिग्विजय सिंह ने खड़े होकर सज्जन सिंह वर्मा ने जो बेहुदा शब्दों का उपयोग किया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करे, मैं इसकी गंभीरता से मांग कर रहा हूं।